बढ़ती महंगाई में बिहार में अब आम लोगों का घर बनाने का सपना बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि बालू और गिट्टी दोनों के ही दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इतनी तेजी से कि इस वजह से सरकारी प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है। आम आदमी जो परेशान हो रहा है सो अलग। रूस यूक्रेन संकट में आसमान छूने वाले सरिया और सीमेंट की कीमत कम होने के बाद अब बालू और गिट्टी की कीमतें काफी बढ़ गई। इसके कारण भवन निर्माण करने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। राजधानी पटना में मकान बनाने और रियल स्टेट के कई प्रोजेक्ट्स पर ब्रेक लगाया जा रहा है। पटना में बालू की कीमतें चढ़कर दोगुना से ज्यादा हो गई। 3,200 रुपए टेलर बिकने वाले बालू की कीमत 7,000 रुपए टेलर तक पहुंच गई। व्यवसायियों का कहना है कि खनन पर रोक लगने के बाद जून महीने के दूसरे सप्ताह से बालू की कीमतें चढ़ने लगी। आने वाले समय में कीमतों में और इजाफा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। बढ़ते गिट्टी और बालू की कीमतों के कारण निजी भवन निर्माताओं के साथ साथ सरकार को खुद भी दिक्कत हो रही है। सरकारी प्रोजेक्ट्स करने वाले ठेकेदार और रेरा से निबंधित बिल्डर भी बहुत परेशान हैं। रियल एस्टेट से जुड़े और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव एनके ठाकुर कहते हैं कि सरकारी प्रोजेक्ट और रेरा से निबंधित प्रोजेक्ट को समय सीमा के अंदर समाप्त करना होता है। इन प्रोजेक्ट्स पर भवन निर्माण की कच्ची सामग्री का रेट पहले से तय होता है। कीमत में बढ़ोतरी से निर्माताओं को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी वजह से प्रोजेक्ट पूरा करने में देरी भी हो रही है। उन्होंने बताया कि वे बक्सर में सरकारी अस्पताल बना रहे हैं। केवल फाउंडेशन में 200 टन लोहा की खरीदारी 85 रुपए किलो के भाव से की गई, जबकि इसके लिए सरकार उन्हें 65 रुपए देगी। इसी तरह बालू और गिट्टी की बढ़ती कीमतों से परेशानी ज्यादा बढ़ गई। बात करें राजधानी पटना की तो यहाँ बालू के बाद गिट्टी की कीमतें भी आसमान छू रही। गिट्टी सप्लायर्स कहते हैं कि झारखंड से मांग के अनुरूप गिट्टी की सप्लाई नहीं हो रही। इसके कारण बीते एक महीने में गिट्टी की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही है और इस वजह से लोगों में काफी परेशानी। बालू और गिट्टी के दाम बढ़ जाने से आम लोगों को दिक्कत तो हो ही रही, सरकार भी इससे बहुत ज्यादा परेशान है। अब देखना होगा कि गिट्टी और बालू की कीमतें कब तक फिर से सामान्य हो पाती है, ताकि आम लोग घर बनाने का सपना पूरा कर सके। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।